तो स्वागत है तुम्हारा एक ब्रांड वीडियो में, जहां पर हम खेलने वाले हैं सुपर मार्केट सिमुलेटर। और यहां पर बैठ के मेरे को वॉइस ओवर करनी पड़ रही, क्योंकि जो मैंने फेस कैम रिकॉर्ड किया था उसकी आवाज़ पता नहीं कहां उड़ गई। फिलहाल वो सब छोड़ो गाइस, मैं तुम्हें डिस्क्लेमर दे देता हूं कि आज हम अपनी शॉप में इन्वेस्ट करने वाले हैं पूरे 20,000 रुपये। और उसको इन्वेस्ट करने के बाद मेरी शॉप का मुखड़ा एकदम चेंज होने वाला है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो देखो जो सबसे पहला काम मुझे करना है वो मुझे करना है अपने शॉप में 2 कैशियर रखने का। तो सबसे पहले मेरे को ये कैश काउंटर थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक और कैश काउंटर है जिससे मैं उस साइड लगाऊंगा और फिर मैं हायर करूंगा 2 कैशियर। तो मैं इसे कहां पर लगा दूं, एक मिनट गाइस। ऑलराइट गाइस, तो मैंने अपने दोनों काउंटर लगा तो दिए हैं, लेकिन ये मेरे को थोड़ा सही नहीं लग रहा। तो मैं काम करता हूं, मैं अपने शॉप का थोड़ा सा एरिया इंक्रीज कर देता हूं। तो मैं सेक्शन खरीद लेता हूं गाइस, ताकि अपनी शॉप का एरिया थोड़ा ओके। भाई अब देखो तुम लोग अपनी शॉप कितनी बड़ी होगी। तो मैं काम करता हूँ फटाफट, ये जितना भी सामान है पीछे की ओर एडजस्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद एडजस्ट करते हैं अपना कैश काउंटर और अपनी शॉप को ओपन करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैंने सब कुछ फिट कर दिया है, बस मेरे को कुछ सामान मंगाना है जैसे कि फ्रिज और शेल्फ, क्योंकि मेरे को लगता है मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई। तो मैं जाता हूँ फटाफट फर्नीचर में, एक शेल्फ और एक फ्रिज ऑर्डर मार देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैंने एक शेल्फ और एक फ्रिज मंगा तो लिया है, शायद वो बाहर आ भी चुका है। ओके भाई आ गया, तो इसको फटाफट करके मैं लगा देता हूँ। कहाँ लगा दूंगा, फ्रिज है ना ही अपनी। ओके, तो फ्रिज मेरे ख्याल से यहाँ पर आ तो नहीं आ रही भाई, कहाँ लगा दूँ फिर मैं इसे। ऑलराइट गाइस, फ्रिज और शेल्फ मैंने दोनों फिट कर दिया। अब मेरे को बैरेट के बस पैसे छापने हैं, ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपनी स्टोरेज भी अनलॉक कर ली जाए। भाई स्टोरेज का सेक्शन कहाँ से आएगा। ऑलराइट गाइस, ये रहा सेक्शन 2। सेक्शन 3 भी सोच रहा हूँ मैं खरीद ही लूँ भाई, 1200 रुपये का खरीद ही लेते हैं गाइस। ओके, तो फाइनली अपना स्टोरेज काफ़ी बड़ा हो गया भाई, तुम लोग देख सकते हो काफ़ी बड़ा हो गया है। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई स्टोरेज और ख़रीद ही लिया जाए या फिर इसे बाद में देखें। एक काम करता हूँ गाइस, और स्टोरेज ख़रीद ही लेता हूँ, अभी पैसे पड़ रखे हैं तो भाई ख़रीद लेते हैं, वरना बाद में दिक्कत आएगी भाई। ऑलराइट गाइस, तो मैंने अपना स्टोरेज पूरा अपग्रेड कर लिया भाई, काफ़ी बड़ा स्टोरेज अपने पास। अगर मैं इसमें सामान रखूँगा तो हमारा रीस्टॉकर भाई अपना जो भी सामान है वो रीस्टॉक करता रहेगा, तो मेरे को एक रीस्टॉकर भी रखना पड़ेगा। फिलहाल के तो मैं सब कर ले रहा हूँ। और गाइस, मैं सोच रहा हूँ जब हमने स्टोरेज इतनी बड़ी खोली ली है तो थोड़ा सा सामान भी ले लेना चाहिए। और मैं सोच रहा था प्रोडक्ट लाइसेंस खरीदने का, क्योंकि जो दुकान में हमारी सामान है वो काफ़ी भाई ओल्ड हो चुका है, मतलब सामान यही हम बहुत दिन से बेच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक प्रोडक्ट लाइसेंस ले लेना चाहिए। गाइस, तो मैं सोच रहा हूँ ये वाला प्रोडक्ट लाइसेंस खरीद लेते हैं, ताकि हमारी दुकान में सामान की थोड़ी वैरायटी आ जाए और लोगों को भाई कुछ नया मिले तो वो जल्दी जल्दी आएंगे। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ फटाफट जितना भी प्रोडक्ट है सब मंगा लेते हैं भाई एक एक बार, देखूं पहले मेरे पास नया प्रोडक्ट क्या है। ऑलराइट गाइस, तो ये है अपना शुगर, चीज़ मोज़रेला, चीज़ पेप्सोना, हनी वगैरह वगैरह। फिलहाल ठीक है गाइस, जितना भी सामान है मैं एक काम करता हूँ फटाफट मंगा लेते हैं, ताकि इससे सबको मैं रीस्टॉक कर दूं। और इसको मैं कहाँ रखूं, ये फ्रिज में जाएगा। ओके, तो फ्रिज अपने पास। ओके गाइस, यहीं पे मैंने एक नई फ्रिज रखी है, तो फटाफट इसी में डाल देते हैं सब। ऑलराइट गाइस, तो जितना भी सामान था लगभग सब मैंने रीस्टॉक कर दिया है भाई, अब मेरे को कुछ रीस्टॉक करने की ज़रूरत है नहीं। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और तू काम कर रहा है ना, नले दिखा मेरे को कितना पैसा। ओके भाई, 102 रुपये के कस्टमर आ रहे हैं, बढ़िया काम चल रहा है। फिलहाल अपनी स्टोरेज में काफ़ी खाली स्पेस है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ रैक्स वगैरह खरीदने का, ताकि हम सामान भर के गए उसमें रीस्टॉक कर सके। तो मैं एक काम करूँ फटाफट रैक्स खरीद लेता हूँ, 4 खरीद लेते हैं गए, एक अपने पास है, 5 हो जाएगा, काम बढ़िया हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ फटाफट रैक उठाता हूँ गए, अंदर एडजस्ट कर देता हूँ, ताकि मैं सामान उठा उठा कर इसमें रख सकूँ भाई, मज़ा आएगा गए, मज़ा आएगा। अब केवल अपने को स्टोरेज का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मैं एक रीस्टॉकर रख लूँगा तो वो सारा सामान रीस्टॉक करता रहेगा, अगर अपने स्टोरेज में वो पड़ रखा है तो। तो फटाफट इसे एडजस्ट करते हैं, उसके बाद रखता हूँ मैं एक रीस्टॉकर। मेरे ख्याल से आज का दिन तो निकल जाएगा गाइस, मेरे को कल ही रखना पड़ेगा उसे। ऑलराइट गाइस, तो जैसा कि मेरे को लग रहा था भाई आज का दिन तो अपना ऐसे ही निकल गया। फिलहाल मैं एक लाइट लगा देता हूँ भाई, क्योंकि स्टोरेज में अपने काफ़ी अंधेरा हो रखा था, अब थोड़ा सही लग रहा है। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ क्या, ये काफ़ी ऊँचे पे है तो शायद मैं नहीं कर सकता, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में देखेंगे अपन। फिलहाल आज का दिन ख़त्म करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट डे में। ऑलराइट गाइस, तो नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं सबसे पहले हायर करने वाला हूँ एक रीस्टॉकर, क्योंकि मेरे को इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है भाई, क्योंकि मैं या तो सामान स्टोरेज में रख सकता हूँ या तो अंदर, मेरे को एक रीस्टॉकर चाहिए। बाय द वे रीस्टॉकर तो मेरा बाहर है भाई, और इससे हम थोड़ा सामान मंगा लेते हैं ताकि ये अपने काम पर लग जाए। ऑलराइट गाइस, तो मैंने काफ़ी सामान मंगा लिया और इसको काम करते हैं फटाफट रैक्स में रखते हैं, ताकि ये रीस्टॉकर भैया अपने काम धंधे पे लग जाए। ओके चल भाई फटाफट काम पे लग। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, जितने भी बॉक्सेस है फटाफट गाइस स्टोरेज में रख देता हूँ, या फिर मैं कुछ का सामान तो भाई खुद भी रख सकता हूँ ना। एक काम करता हूँ,
इसको उठाओ, पहले स्टोरेज में डालो, थोड़ा बहुत सामान यहाँ रख देते हैं ताकि ये भी बंदा लगा रहे काम पर, और थोड़ा बहुत सामान जो होगा गाइस मैं भी रख दूंगा। ओके, तो मेरे ख्याल से अंदर काफ़ी डब्बे हो गए, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं जाके फटाफट रीस्टॉक कर देता हूँ, क्योंकि ये बंदा बहुत स्लो काम करेगा भाई। अपन फटाफट काम करेंगे, ये जितने भी डब्बे अंदर से लाएगा उसे रखेगा, मैं बाहर वाले फटाफट भर देता हूँ। कहाँ जाएगा ये, तो पानी की बोतल है ना भाई, फ्रिज। ओके, ये रहा गाइस अपना खाली एरिया, मैं फटाफट इसे भर देता हूँ, बाकी इसको क्लोज करते हैं, रख के आता हूँ स्टोरेज में। जैसे ही वो खाली होगा भाई, ये लगे फटाफट भर देगा। बाकी और क्या सामान है गाइस, इसको उठाता हूँ पंताजी, इसको भी यहीं रख देता हूँ, ये अपना काम करता रहेगा नल्ला। ऑलराइट गाइस, तो मैंने बहुत सारा सामान अंदर रख दिया, ये कहाँ जाएगा भाई, ओके ये नीचे जाएगा। तो मैंने बहुत सारा सामान अंदर रख दिया, मेरे ख्याल से अब शॉप ओपन करने का समय आ गया भाई। बहुत सामान हो गया अपने पास, मतलब जितना भी सामान था मैंने सारा रिस्टॉक कर दिया भाई, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी पड़ी। ओके, ये तो भाई इसके लिए तो जगह ही नहीं है मेरे पास। एक काम करते हैं गाइस, इसको मैं अंदर रखाता हूँ, सोच तो यही रहा हूँ कि जगह है क्या, एक मिनट देख लूँ भाई, चेक कर लूँ, उसके बाद इसको गाइस हम अंदर रखाएंगे, ताकि अपने रीस्टॉकर भैया इसको रीस्टॉक कर दें। चल भाई नल्ले, इसको रीस्टॉक कर देना जैसे ही ख़त्म हो। फिलहाल मेरे ख्याल से अब टाइम है गाइस शॉप को ओपन करने का, और देखने का कितनी कमाई होती है भाई। फिलहाल मेरे पास कोई काम है तो नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट जितना भी सामान है गाइस उसको फिर से मंगाते हैं और रीस्टॉक करते हैं, पहले तो कस्टमर आना शुरू हो, थोड़ी कमाई हो, उसके बाद मैं रीस्टॉकिंग का काम शुरू करता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो तुम लोग देख सकते हो कितने भर भर के कस्टमर आ रहे हैं, और रीस्टॉकर भाई भी अपने काम पर लगे पड़े हैं। तुम लोगों को एक्सपेंसिव लग रहा है क्या? एक्सपेंसिव लग रहा है भाई। ओके, इसका क्या प्राइस है? 5.18, 6 का ही तो बेच रहा हूँ, चलो ठीक है तुम्हारे लिए मैं 5.30 का बेच देता हूँ भाई, क्या ही याद करोगे तुम भी। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं गाइस, रीस्टॉकर भाई अपने काम पर लगे हैं, ये लोग माल पानी खरीद रहे हैं, ये कैशियर नल्ले बहुत स्लो काम करते हैं भाई, इस वजह से प्रॉफिट काफ़ी कम होता है। मेरे को लगता है मेरे को किसी एक को लात मारनी पड़ेगी, ताकि मैं इनकी जगह काम करूं और मेरे को अंधा प्रॉफिट हो। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग फटाफट काम करो भाई, मेरे को एक काम करना पड़ेगा गाइस। मैं सोच रहा हूं जितना भी सामान है सब मंगा कर इस अपने स्टोरेज में भरता रहूं, ताकि रीस्टॉकर अपने काम पर लगा रहे। ऑलराइट गाइस, तो मैंने बहुत सारा सामान मंगा लिया है और मेरे को कुछ करना नहीं, मेरे को भाई बस चुपचाप जाके इन्हें रैक्स में रखते जाना है, और बाकी अपना काम रीस्टॉकर कर देगा। फिलहाल मैं जितना भी सामान है सब शुरुआत से लेकर अंत तक एक एक बॉक्स मंगा कर इन्हें अंदर रख दूंगा, ताकि अपना रीस्टॉकर भैया अपने काम पे लगे। भाई इकलौता रीस्टॉकर है, मेहनत तो कर रहा है बंदा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कैशियर से ज़्यादा मेहनत कर रहा है ये। और मेरे ख्याल से मेरे को एक दो रीस्टॉकर और रखने चाहिए अपनी शॉप को जल्दी जल्दी अपग्रेड करने के लिए। फिलहाल मैं ये जितने भी बॉक्सेज हैं भाई इन्हें यहाँ रख देता हूँ, उसके बाद अपन दूसरा खेप मंगाते हैं गाइस, उसे भी रखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो जितना भी सामान हमने मंगाया था, अरे भैया कहाँ लेके जा, भाई मेरे से पंगा नहीं लेने का, मैं बता रहा हूँ, मैं दो मिनट में नंगा कर देता हूँ। मैं बता रहा था गाइस हमारा लास्ट डब्बा बचा है जिसको मेरे को स्टोरेज में रखना है, और ये बंदा पता नहीं कहाँ से बीच में सलमान भाई बनते हुए आ गया, लेकिन इसे पता नहीं था अपन है स्टील मैन ऑफ स्टील। फिलहाल ये सब नल्ले अपना काम कर रहे हैं, और मैं काम करता हूँ, अगर मैं इस डब्बे को उठाकर अंदर, ओके भाई बहुत सही काम है ये, मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ गाइस, ताकि मैं यहीं से फटाफट सामान मंगाऊँ और यहीं से फटाफट उसे स्टोरेज में रीस्टॉक कर दूँ, ताकि अपना रीस्टॉकर भाई का काम चलता रहे। तो मैंने मंगाया था, मेरे को याद नहीं, मैंने शायद एग तक मंगाया था, तो मेरे को मिल्क से मंगाना है गाइस, तो मैं फटाफट और सामान मंगा लेता हूँ, ताकि हम उसे भी अपने स्टोरेज में भर सकें और अपनी दुकान को और आगे लेकर जाएं। ओके गाइस, तो रीस्टॉकिंग करते करते मुझे रात हो गई, लेकिन ये गाड़ी भाई अभी तक यहीं पड़ रखी है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, मेरे को क्या दिक्कत, बाढ़ में जाए ये गाड़ी पलट जाए, बर्बाद हो जाए इसका मालिक, मेरे को कोई लेना देना नहीं गाइस। मैं फटाफट जाता हूँ अपना सामान, एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं लाइट जला देता हूँ भाई, कुछ दिख नहीं रहा, अपनी शॉप में भी अंधेरा है, और तुम्हें तो पता है लाइट जलाने से लक्ष्मी आती है भाई, तो लाइट ऑलवेज ओपन करो भाई। ओके, तो ये जूस का पैकेट, अरे से मैंने खोल के दिया, बंद हो जा नल्ले, इधर कहाँ रख दूँ भाई मैं से। ओके गाइस, फाइनली अपना बहुत सारा सामान मैंने रख दिया भाई, कमाई भी भयंकर हो रही है, लेकिन भाई उतनी कमाई हो नहीं रही जितनी होनी चाहिए। मेरे को एक कैशियर को लात मारनी पड़ेगी गाइस, ताकि मैं सारा कैश इकट्ठा करूँ, उसके बाद अपने पास काफ़ी अंधा प्रॉफिट होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कुछ और भी बड़ा करने का, आज हमने इन्वेस्ट किया इसमें 20,000, नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे भी ऊपर करूँगा भाई। तुम लोग रुको जरा, पहले मेरे को रीस्टॉक कर दें, तो फिर मैं अमाउंट सोचता हूँ मेरे को नेक्स्ट वीडियो में क्या अमाउंट यूज़ करना चाहिए गाइस। ऑलराइट गाइस, तो मैंने जितना भी माल पानी था सब रीस्टॉक कर दिया है, और अपना दिन खत्म होने आ गया, लेकिन भाई कस्टमर खत्म होने का नाम ही ना ले रहे। तुम नल्लो काम तो सही से करो ना, ओके 74-74 रुपए के प्रोडक्ट, मतलब 74-74 रुपए लेकर कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है भाई अपना प्रॉफिट हो रहा है ठीक ठाक गाइस, अगर मैं कुछ नहीं भी कर रहा हूं, तो भी ठीक प्रॉफिट हो रहा है। मेरे को फिलहाल अपने स्टोरेज पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मेरे को एक नल्ले को लात मारनी पड़ेगी, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी शॉप में इन्वेस्ट कर सकें 1,00,000 रुपए,
यानी कि गाइस 100K। हाँ तुमने सही सुना, नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्वेस्ट करूंगा अपनी शॉप में 1,00,000 रुपए। अब उसके लिए मेरे को कितना भी घिसना पड़े मैं घिस जाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अपनी 1,00,000 रुपए खर्च होगा इस शॉप पे। हो सकता है 1,00,000 रुपए में ही अपनी शॉप पूरी अपग्रेड हो जाए या फिर नहीं, वो तो भाई नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। तो हो सके तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो कि अपना 100K इन्वेस्ट करने पर इस शॉप का रूपरेखा कैसे बदलती है। फिलहाल बाय बाय।